हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं प्रभात भारद्वाज आज आपके लिए कक्षा 10th का लेसन नंबर 3 हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो हमारा लेसन नंबर 3 है चैप्टर क्लास 10th का, उसके मैं वर्ड मीनिंग और एमसीक्यू लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। यह हिज फर्स्ट फ्लाइट का पार्ट 2nd है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं प्रभात भारद्वाज, बर्ड मीनिंग। सीगल, सीगल क्या है? समुद्री पक्षी। सी वर्ड, सी वर्ड में समुद्री पक्षी। अटेम्प्ट, टायर्ड, थका हुआ। जो यह बर्ड मीनिंग है, यह इस स्टोरी के इस स्टोरी पर आधारित है। डेस्परेट, होपलेस, निराश। होपलेस का मतलब होता है निराश। इस कहानी के आधार पर ये इनके मीनिंग है। स्ट्रेव, डाई ऑफ हंगर, भूख से मरना। कावर्डाइज, कावर्डाइज माने क्या है हमारा? लैक ऑफ कोरेज, साहस की कमी। असेंडिंग, राइजिंग, राइजिंग हायर, हायर चढ़ते हुए। हम्प, हाई प्लेस, उभरा हुआ स्थान। टेरोर, टरर, ग्रेट फियर, अत्यधिक भय। फ्लोटिंग में स्विमिंग, तैर रहा था। अब हमारे चलते हैं एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस। वाट, जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है 1, 2, 11 हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे। अब हमारे 12, 2, 24 एमसीक्यू हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट का 2nd पार्ट है। वाट वाज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू। जो चालक था, उसने वह जब एरोप्लेन विमान उड़ा रहा था, तो वह उसके उसके मन में क्या विचार आ रहा था और वह क्या सोच रहा था? टू मीट हिज फैमिली, हिज हॉलीडे। वह अपनी फैमिली, परिवार से मिलेगा और हिज हॉलीडे, अपनी छुट्टियां बिताएगा तथा उनका आनंद लेगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कनेक्टेड हिज वे। जो विमान का चालक था, पायलट था, वह कौन से स्टेशन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था? पेरिस, पेरिस कंट्रोल। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एक्रॉस द स्काई। वाट लॉक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन। जो जब विमान उड़ रहा था, तो उनके सामने आसमान में एक काले पहाड़ के समान क्या प्रतीत हो रहा था? स्टॉर्म क्लाउड मीन्स तूफानी बादल। जो थे, जो वहाँ पर तूफानी बादल थे, वह उसके समान प्रतीत हो रहे थे। ब्लैक माउंटेन एक बड़े पहाड़ के समान, विशाल पहाड़ के। वाट रिक्स डिड द पायलट टेक। जो विमान का चालक था, उसने क्या रिक्स लिया? फ्लाइंग इज ओल्ड डिकोटा। जो हम डिकोटा, या डिकोटा क्या है? डिकोटा हमारे प्लेन का नाम था, जो वह उड़ रहा था उसका प्लेन का नाम था। फ्लाइंग इज ओल्ड डिकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म। उसने, जो विमान का चालक था, उसने रिक्स लिया और जो एरोप्लेन था, डिकोटा नामक जो विमान था, उसने उसे तूफानी बादलों में प्रवेश करा दिया। वाट इंस्ट्रूमेंट हैड स्टॉप्ड वर्किंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म। जब
जब वाट इंस्ट्रूमेंट हैज स्टॉप्ड वर्किंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जब एरो चालक ने जो विमान था हमारा डिकोटा उसे उस तूफानी बादल में प्रवेश कराया, तो किन किन यंत्रों ने कार्य करना बंद कर दिया। कंपास कोमा करके रेडियो, जो उसके अंदर कंपास और रेडियो लगे हुए थे वो उस उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। दोस्तों इस जो जो चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा इसका सेकंड पार्ट है द ब्लैक माउंटेन, इन दोनों की समरी मैं पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी को इसकी फर्स्ट पार्ट देखना हो तो वह मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से जाकर आप इसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट का जो फर्स्ट पार्ट है उसे आप देख सकते हैं, सेकंड पार्ट यह है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट की लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। उसमें मैंने दोनों चैप्टरों की समरी पढ़ाई है और मैचिंग है और 1 to 11 MCQs क्वेश्चन है। वाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट, जो चालक था उसे किस बात पर खेद नहीं था। ड्यूरिंग द प्लेन इन टू द स्टॉर्म, उसने जो प्लेन था उसे तूफानी बादलों में प्रवेश कराया। रिस्किंग द लाइव्स ऑफ फॉलो पैसेंजर्स, और उसने इतने सारे यात्रियों की जो यात्रियों की जान थी उनके ऊपर रिस्क लिया, यात्रियों के ऊपर जितने सारे यात्री थे उनके ऊपर रिस्क लिया। What did the seagull pretend was happening to him so that he could not take his first flight? जो सीगल था समुद्री पक्षी था वह अपनी पहली उड़ान उसे जो उसकी पहली उड़ान थी उसे ना उड़ना पड़े, तो वह उसने क्या बहाना बनाया कि उसे कोई उसे उड़ने को ना कहे, उसने क्या बहाना बनाया। ही वाज फेलिंग ए स्लिप, वह एक टांग पर खड़ा हो गया और उसने आंखें बंद कर ली जिससे ऐसा प्रतीत हो कि वह सो रहा है, उसे नींद आ रही है। व्हाट फूड डिड द सीगल मदर गेट फॉर इट, जो उसकी सीगल जो था जो उसकी माँ थी वह उसे क्या खाने में क्या देने आ रही थी, फिश। How far was the narrator from Paris when he saw, जब तूफानी विमान के सामने तूफानी बादल आया तो जो विमान था डिकोटा नामक जो एरोप्लेन था विमान था वह पेरिस से कितने दूर निकल चुका था, 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर। Which of the four पायलट इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट, जब चालक ने जो विमान का चालक था पायलट था उसने जो हमारा डिकोटा नामक विमान था उसे जब तूफानी बादलों में प्रवेश कराया तो सबसे पहले किस यंत्र ने काम करना बंद कर दिया था। जो यंत्रों ने काम करने बंद कर दिया था वो था एक तो कंपास और एक रेडियो, लेकिन जिनने सबसे पहले काम करना बंद करा था वो है कंपास। कंपास ने सबसे पहले काम करना बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 22। व्हेन द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन आस्क्ड द नरेटर टू फ्लो हिम, इन विच डायरेक्शन डिड ही टर्न द एरोप्लेन, जो चालक था पायलट का जो एरोप्लेन था उसे उड़ाने वाला जो पायलट था चालक था उसने एक काला विमान देखा
और उसे फॉलो करने का प्रयास किया। तो उसने किस डायरेक्शन, जब उसे फॉलो करना चाहा तो उसने किस डायरेक्शन में अपने एरोप्लेन को मोड़ा? नॉर्थ। उसने चारों दिशाओं में से नॉर्थ की तरफ अब एरोप्लेन को मोड़ा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन डैट द पायलट वाज फ्लाइंग? जो हमारा यह एरोप्लेन है इसका नाम क्या है? डिकोटा। इस वाले जो हमारा ये एरोप्लेन है इसका नाम क्या था? डिकोटा। द पायलट वॉज नॉट अनेबल टू डैश एनीथिंग। जो चालक था उसे जब तूफानी बादलों के अंदर विमान उड़ रहा था तो उसे क्या हुआ? उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सी, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल चैनल नेम नन्ना कभी को सब्सक्राइब करें। नन्ना कभी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।